बापू, आपके इतने जो लाखों अनुयायी हैं, ये किस चीज से प्रभावित होकर आपके इतना पीछे पीछे चलते? देखिए, यहाँ भी हजारों लोग आ गए आपके पीछे पीछे। आपकी किस खूबी से ये प्रभावित होते हैं, और आपसे भी तो ये कुछ उम्मीद रखते होंगे। जैसा मैंने कहा कि सब लोग जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी लेकर घूम रहे हैं और वो उसका समाधान चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो है कि मेरा कोई अनुयायी नहीं, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं, इसलिए मैं सालों से कहूँ मेरे सब फ्लावर्स, फॉलोअर्स कोई नहीं। मेरे मेरी व्यास वाटिका के, मेरी विश्व वाटिका के ये पुष्प है, और ये पुष्प इतना ही यदि वो पुष्प है तो जो मैं जिसको मैं पुष्प कहता हूँ, यदि वे पुष्प है तो किसी से कुछ नहीं चाहेगा, शिव पर चढ़ जाएगा और अपनी खुशबू बिखरेगा बिखरेगा। आप अक्सर ये कहते हैं, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप पैसा नहीं लेते। अब आप पैसा किसी से कुछ नहीं लेते, लेकिन अब ये यात्रा आप निकालेंगे इतनी बड़ी, इतने बड़े बड़े आप आयोजन करते हैं, तो इसके लिए आपके पास धन कहां से आता है जब आप कोई पैसा लेते ही नहीं, आप छूते नहीं पैसे? नहीं, ये मैं कोई आयोजन करता ही नहीं, मनोरथ ही करते हैं। कोई तनुजा सेवा करते हैं, कोई मानसी सेवा करते हैं, कोई वित्तदा सेवा करते हैं। मैं तो मेरे पास का मैं किसी से एक पैसा लेता नहीं, मुझे ले आए छोड़ दे, गंगा जल मेरा मेरे साथ होता है, और हवा में हनुमान जी की लेता हूँ, जल गंगा का पीता हूँ, रोटी मेरे नसीब की पाता हूँ, पोथी मेरे दादा की दी हुई है। ये मनोरथी लोग योजना करते हैं और मेरे आत्मा में बात बैठती है तो मैं पोथी जी लेकर चढ़ पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास पैसे में किसी लेता नहीं, और मेरे पास खर्चा करना का कोई कारण नहीं बनता। आप कितना पैसा खर्चे हैं दिन में? आपका कितना खर्चा होता होगा? वो तो मनोरथियों को पूछे आप। आपका मैं कभी पूछता ही नहीं, मैं कभी नहीं पूछता कि क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सब प्रामाणिकता से इसका उपयोग कर। आपका अपना निजी खर्चा कितना होगा दिन का या महीने का? मैंने मेरा कोई निजी अपना खर्चा कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा मेरा कोई खर्चा। मैं तीन पैर कपड़े रखता हूँ, दो मेरे बैग में होता हूँ, एक पैर, तीन काली शॉल रखता हूँ दो बैग में, एक यहाँ, तीन राम नामी रखता हूँ दो उसमें, और वो भी मेरा कोई न कोई पुष्प वो कभी न कभी मेरे टेलर से जाकर खादी लेकर सिलवा कर दे। मेरा कोई खर्चा नहीं। आप हमेशा इसी तरह के परिधान पहनते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। थैंक यू। और आज हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली ही मुद्रा में हैं, पर आप हमेशा ये काली शॉल लेते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप जीवन को और पूरी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं और फिर दिखा भी सकते हैं? मैं तो मेरे लिए देखता हूँ, दुनिया के लिए कुछ मेरे में ब्लैक क्या है वो देखता हूँ, मेरे में व्हाइट क्या है देखता हूँ, व्हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ, ब्लैक कम करता जा रहा हूँ, इसलिए बाल भी काले कम कर दिए, दाढ़ी सफेद कर दी। देखिए, अब सब सफेद ही हैं, बाल भी सफेद है और दाढ़ी भी सफेद, सब होता जा रहा। अब बापू, आजकल जो माहौल है, लोग अब ये कहते हैं कि अध्यात्म भी एक उद्योग बन चुका है। जैसा मैंने आपको कहा, आजकल जो भी कुछ हो रहा है, अध्यात्म एक उद्योग बन गया है। लोग शांति के लिए, अध्यात्म के लिए, अंग्रेजी में एक शब्द है विंडो शॉपिंग, अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं। आप पहले एक दुकान पर ट्राई करते हैं, दूसरे दुकान पर ट्राई करते हैं, कई लोग उसे अध्यात्म का नाम देते हैं, कई लोग उसे सुख शांति चैन का नाम देते हैं। आपको लगता है वाकई ये एक प्रोडक्ट बन गया है जो बाजार में बेचा जा रहा है? जो अध्यात्म को धंधा समझते हैं, मेरी दृष्टि में ये अपराध है। अध्यात्म ये नहीं कर सकता, सच्चा अध्यात्म। अध्यात्म एक विलुप्त वस्तु है, और मेरी दृष्टि में इतनी सालों की मेरी यात्रा में मैंने देखा कि लोगों में भय है और लोगों में प्रलोभन। ये प्रलोभन और भय विंडो शॉपिंग कराता है कि यहाँ जाऊँ तो मेरा भय चला जाए, यहाँ जाए तो मेरी उम्मीदें पूरी हो जाए। ये सब सब अपनी अपनी रीत है, लेकिन अध्यात्म उद्योग नहीं, कतई अध्यात्म उद्योग नहीं। कथा की अगर बात करें बापू, तो दो तरह की कथाएं अब हमारे समाज में हैं। एक वो कथा, सकारात्मक कथा, जो आप सनातन धर्म की कथा जो आप सुनाते हैं। दूसरी कथा हमारी आ रही है टीवी के जरिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, जो आप सुनते हैं आजकल जो वेब सीरीज जो आ रही हैं, उसमें नकारात्मक कथा है।
और हमारा जो युवा है वो ज्यादातर नकारात्मक कथा देख रहा है, जिसमें शॉर्टकट की बातें होती हैं, बिना मेहनत किए कैसे रातों रात अमीर बन सकते हैं उसकी बातें होती हैं। अब इन दो कथाओं में क्लैश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कथा है आपके वाली ये भी धीरे 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 विलुप्त होती चली जाएगी दुनिया से? नहीं नहीं, मैं नकारात्मक विचारों से बहुत दूर रहता हूँ, मेरी सोच हकारात्मक है और मैं स्वीकार का आदमी हूँ। मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं निकला, सबका स्वीकार है और हमेशा देर लगती है, कुछ समय ऐसा लगे कि नेगेटिव तत्व हावी हो रहे हैं, लेकिन इतिहास देखिए, पुराण देखिए, अपनी पूरी सनातन, नेगेटिव सदा हारे हैं, पॉजिटिव सदा जीते हैं। आप राजनीति में कोई दिलचस्पी रखते हैं? ना, बिल्कुल। मेरे पास इतना बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, मेरे पास व्यास गादी है, राजगादी की कौन सोचे। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि देश में किसका शासन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उसकी नीतियां क्या हैं, वो किन संस्कारों को सरकार बढ़ावा देती है। अब जैसे मोदी जी हैं, पीछे 10 साल से, अब 10 साल होने वाले हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 10 साल में जहां तक हमारे संस्कारों का सवाल है, जहां तक हमारी संस्कृति का सवाल है, हम लोग वापस अपनी संस्कृति की तरफ आए हैं? मैं भारत का नागरिक होने के नाते अखबार पढ़ता हूँ और इससे राजनीति में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सब विभाग क्या क्या कर रहे हैं, उससे थोड़ा कुछ परिचित रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छा तो हो रहा है, अच्छा तो, और विकास ऐसा हो कि पूरे समाज को विश्राम तक ले जाए, कुछ तो अच्छा हो।